फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके जो मार्क्स हैं वो 400 के आसपास है, तो उसमें वो लेके बहुत डाउटफुल है कि जो नीट की जो कट ऑफ आएगी, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पर स्टेट्स बताया था कि कितनी जाएगी, तो बच्चे कन्फ्यूज है कि उनका होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि 400 के प्लस हैं, तो मैं उन सब बच्चों से बोलूँगा वीडियो को लास्ट तक देखना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे नीट से रिलेटेड आपको अपडेट यहाँ पे मिलेगी। और मैं जो भी ऑथेंटिकेट न्यूज़ है, सारे 4-5 साल का डेटा कंपेयर करके ये वीडियोज़ बनाता हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नया कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों कट ऑफ के एनालिसिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट ईयर जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, तो इस बार की कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाले 4 मेन डिसीजन है। पहली चीज़ है, इस बार MBBS की सीटें इंक्रीज्ड हुई हैं। दूसरी चीज़ है, इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि इस बार MBBS की सीटें इंक्रीज्ड हुई है। दूसरा, इस बार रिपीटर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे और पेपर का लेवल इस बार लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफ़ी ईजी था। तो अगर मैं आपको लास्ट ईयर से कंपेयर कराता हूँ, तो मेरे सामने जो MP स्टेट हुआ था लास्ट, MP के अंदर जो काउंसलिंग हुई थी मोकअप राउंड की, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे MP स्टेट में देखोगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नीट का या ऑल इंडिया का स्कोर है और ये बच्चों की रैंक है। तो अगर आप MP के लिए देखोगे, तो MP में जो मोपअप राउंड हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोपअप राउंड की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो आप देखो 615 मार्क्स पे बच्चे का था और 615 पे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का जो अच्छा कॉलेज है वो UR कैटेगरी के बच्चों का लोकेट हुआ था। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर 615, 620, 590 तक मिलता है, लेकिन नीचे की कट ऑफ का क्या एनालिसिस है? तो नीचे की कट ऑफ पे दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चों के जैसे 565, 564 के आसपास रेंज में, उनको बड़े आराम से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। उनका जो बेसिकली क्या होता है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि काफ़ी कम जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस बच्चे के 565 मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा था और उसको गवर्नमेंट में MBBS मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस बच्चे के 564 थे, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज का एलोकेशन हुआ। अगर मैं नीचे के मार्क्स यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो देखिए दोस्तों, अगर ये है 500 की रेंज, अगर आप इसमें लेके चलते हो बाकी की रेंज में, तो आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज के एलोकेशंस दिखाता हूँ इसमें जाके बच्चों को। ये देखिए दोस्तों, जिस बच्चे की 53,265 थी, उसका MBBS का एलोकेशन यहाँ पे बच्चे को मिला है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम यहाँ नीचे देखें, तो काफ़ी कम मार्क्स पे भी, क्योंकि ये मोपअप राउंड की सीट है, तो इसमें जैसे अगर आप 61,000-62,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो उस हिसाब से प्राइवेट के कॉलेज जो मोपअप राउंड में वो एलोकेट यहाँ पे बच्चों को दिख रहा है। तो मैं अभी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट, कोटा की जो सीटें हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इस जिन बच्चों के जो 514, 512, 513 मार्क्स थे, उन बच्चों को काफ़ी अच्छे कॉलेज अलोकेशन हुए। अगर आप नीचे देखोगे, तो बच्चों को 400-300 की रेंज में भी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जिस बच्चे के 486 मार्क्स थे, उस बच्चे को गवर्नमेंट का MBBS कॉलेज का एलोकेशन यहाँ पे मिला। उसके नीचे भी दोस्तों, मैं आपको और भी बच्चों की डिटेल दिखाता हूँ जाके कम नंबर भी। देखिए दोस्तों, एक बच्चे के 482 मार्क्स थे और उसकी ऑल इंडिया नीट में रैंक थी 1,707, और 482 मार्क्स पे भी बच्चे को गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज का एलोकेशन हुआ। उसी प्रकार दोस्तों, अगर इससे आप नीचे देखना चाहो, तो आप इसमें नीचे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को एलोकेशन मिला। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 475 बच्चे के मार्क्स थे, 475 मार्क्स पे MBBS बच्चे को मिला। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रेवा का जो मेडिकल कॉलेज है, ये बच्चों को एलोकेट हुआ। तो मैं बच्चों से यही बोलूँगा कि अगर आपके कम मार्क्स है, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि नीट में जो मोपअप और स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होती है, इसमें 300, 350, 400 मार्क्स तक भी बच्चों को MBBS मिल जाता है। जिन बच्चों को पता नहीं रहता, वो उनको नहीं रहता, और जिन बच्चों को पता चल जाता है, वो बहुत कम मार्क्स पर MBBS की सीट ले जाते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे स्टेट की कट ऑफ के बारे में। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ जो MCC ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराया था, जिसमें सारे स्टेट्स की कवरेज करी थी। आप देख सकते हो, ये 2023 का है, नीट UG काउंसलिंग सीट्स अलॉटमेंट 2023 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये स्टे वैकेंसी कब होता है दोस्तों? जब आपके मोपअप राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, और तब स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो दोस्त देखिए दोस्तों, इसमें जिस बच्चों की 13,000 रैंक है, उनको एम्स का एलोकेशन हुआ, क्योंकि उनके स्टेट के बच्चों ने यहाँ लिखे। ये रैंक से आप देखो, 21,000 रैंक पे, 22,000 पे, 25,000 पे। अब मैं आपको बहुत कम रैंक पे भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, लास्ट में ले जाके, कि किस किस रैंक पे बच्चों का एलोकेशन मिला है। और दोस्तों, अगर मैं सीट को आपको नीचे से दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए, एक बच्चे जिसकी रैंक 10,11,788 रैंक थी, उसको NRI कोटा से, अगर यहाँ पे आप क्लियर देखना चाहिए दोस्तों,
बच्चे की रैंक थी 10,11,788, उसको ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था, उसको एमबीबीएस का मिला, एनआरआई कोटा से एलोकेशन मिला। अगर इससे ऊपर देखना चाहता हूँ, एक बच्चे की रैंक थी 9,81,616, जिसको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वजह से जनरल कोटे के बच्चे को एमबीबीएस मिला। उसी प्रकार जिस बच्चे की 9,32,000 जो रैंक थी उनको एमबीबीएस का एलोकेशन यहाँ पे मिला। उस प्रकार जिस बच्चे की देखिए दोस्तों, इसमें एक बच्चे की रैंक थी 5,86,133, तो 5,86,133 पे बच्चे को एमबीबीएस का एलोकेशन यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इससे भी नीचे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए कि जिस बच्चे की रैंक 5,54,485 5,57,314 था, उसको भी एमबीबीएस का एलोकेशन मिला है। तो आप देख सकते हो कितने कम मार्क्स पर बच्चों को एमबीबीएस मिला हुआ है। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलूँ कि आपको टेंशन, ये देखिए दोस्तों, ये एक बच्चे की रैंक थी 2,54,185, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो उस वजह से एमबीबीएस मिला, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था। उसी प्रकार दोस्तों एक बच्चे की रैंक थी 2,52,105, इसको ईएसआईसी कोटा से बीएससी नर्सिंग यहाँ पे एलोकेशन मिला। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे जिस बच्चे की रैंक 2,47,000 2,48,000 2,49,000, इन बच्चों को यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एमबीबीएस का यहाँ पे एलोकेशन मिला हुआ है। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं आपको वही बोलता हूँ कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है, मोपअप राउंड, उन पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे ही कट ऑफ डिसाइड होती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।